अभिनंदन है और समाज के कामों में, समाज की उन्नति में आपने भी अपने प्रोफेशन को छूना है। नौजवान लोग, मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आपके क्या सवाल है? सर, बीजेपी में मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, उन्होंने कहा है कि लालू यादव बेल पे बाहर आए हैं, उन्हें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए, जो उन्होंने पाप किया है। लालू यादव खत्म तो राजद खत्म। आप देखो, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। इन्होंने क्या कहा? 90 में गुंडे लोग सरकार में आ गए, गुंडे लोग लोकसभा में चले गए, गुंडे लोग विधानसभा में चले। 90, आज जो 90 के हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व आज है, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के संपर्क में समाजवाद सीखा था, डॉक्टर रोहिया की समाजवाद का अनुकरण करता रहा है, इसे लालू जी ने आगे बढ़ाया। अब बोलो, सिद्दीकी जी गुंडा हैं, रघुवंश बाबू दुनिया से चले गए, गुंडा थे, राम जीवन बाबू मंत्री परिषद के सदस्य थे, तपे तपा समाजवादी, गुंडा थे, रामचंद्र पूर्वे जी गुंडा थे, याद रख लो तस्लीम गुंडा थे, यही ना शीर्षित नेतृत्व था उस समय, रघुनाथ जा गुंडा थे, रमई भाई गुंडा है, और अफसोस नीतीश भी इसी दौर में लोकसभा में गए। वह 89 के बाद जो 90 का दौर शुरू होने वाला था, और वही दौर परिवर्तन भी लाया, और इसी सारे दौर में भाजपा के अध्यक्ष के पिताजी भी तो इसी राष्ट्रीय जनता दल में आया, और ये हमारे जिला के अध्यक्ष थे, ये जो राज्य के अध्यक्ष हैं हमारे जिला के अध्यक्ष थे। अपने पुत्र की विरासत राजद में रह करके इन्होंने संभाला, क्या ये गुंडे थे? यदि आपने गुंडे ही देखा हो तो बताओ कौन सी गुंडे ही आपने देखा, और कौन कौन तत्व जो सचमुच इस बिहार को लूटा और गुंडई करते थे। हो सकता है मैं इक्का दुक्का इधर भी लड़कपन कोई किया हो, लेकिन सारे लोगों को तो नीतीश जी के मंत्रिपरिषद में, जब शुरुआत हुई मंत्रिपरिषद 2005-06 में, तो नवरत्न जो उनके पीछे खड़े थे, सारा देश देखा, और नौ उस समय के हार्डेंड क्रिमिनल, सबसे भयानक क्रिमिनल, अपहरणकर्ता, डाकू, हर तरह के इंसानों के साथ, जिंदगी के साथ खेलने वाले, वही लेकर के इनकी शुरुआत ही 1900 हुई। लालू प्रसाद जी के साथ जरा फोटो दिखाओ तो ऐसे लोगों का हिम्मत नहीं भरती थी इन लोगों की, लालू जी के कुर्सी के पास कोई चला जाओ। और ईशाबुद्दीन का नाम लेते हो तो निर्दलीय के रूप में विधायक बन चुका था, और 90 की उपज नहीं है, वो तो निर्दलीय विधायक बना था, तो निर्दलीय विधायक के रूप में आम जन की स्वीकृति उसे प्राप्त हो चुकी थी। एक वही नाम इन्हों को बार बार दोहराया जाता है, लेकिन इन्हों के लिए तो रघुनाथ झा भी गुंडे, रमई राम जी भी गुंडे, क्या मजाक कर रहे हो? पूर्वे जी गुंडे, सिद्दीकी जी गुंडे, जगदानंद गुंडा, रघुवंश गुंडे। मैं बहुत सबसे शालीनता से पूछता हूँ कि राम जीवन बाबू गुंडे थे? इन 9 लोगों 10 लोगों का जो मैं नाम ले रहा हूँ, एक भी उस करेक्टर क्लेवर का, समझदारी का आदमी इनके पास हो तो उसकी तुलना करके बता दो। तुम तो सड़क से लोगों को बटोर करके, इधर से उधर लोगों को, आपत्तिजनक लोगों को ले करके, और इसी राजद से किसी न किसी को पकड़ करके ले गए, लेकिन ले गए थे आप उदयनारायण चौधरी जी को अपनी जगह पर वापस आ गए। गुंडे हैं क्या? न केवल हमारी सरकार में मंत्री हुए,
बल्कि विधानसभा का स्पीकर बने। श्याम रजक गुंडा है? यदि राम कृपाल गुंडा थे तो तुम तो आज ले जाके मंत्री बनाया, लोकसभा में उनको भेजा। यदि रंजन जी गुंडे थे तो तुम तो ले जाकर के लोकसभा में तुमने भेजा। है इन उदाहरण के कोई बड़े नेता, चाहे वो बिहार का मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री बना हुआ है लोग या उप मुख्यमंत्री बने थे, या इनके शीर्षक नेतृत्व, इनकी किससे तुलना है जिन लोगों का मैंने नाम गिनाया? कौन सी चरित्र है इनका, कौन है ज्ञान जिन लोगों ने सभी लोग मिलकर के आज भी राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व समाजवादी आंदोलन कर्पूरी ठाकुर के सौजन्य से जिन्होंने समाजवादी अपने संसदीय जीवन को शुरू किया था और उनके साथ भी रह के जो शुरू किए थे, वही 90 के दशक में एक अद्भुत सरकार दिया, अद्भुत। हाँ जरूर, सबों को साथ लेकर के चलने की भी इच्छा रखते हो। जो हमारा डूम भाई भी त्याज्य था, जिसके छाया से लोग बचते थे, इसलिए मैं कहता हूँ देवेश ठाकुर, पैसे के बल पर जहाँ आ गए हो, तुम्हारी कोई त्याग तपस्या का इतिहास है क्या? कौन सा समाजवादी हो, कौन से राष्ट्रवादी हो, पैसे के बल पर बन गए हो? और लालू जी के पाप को आप देख रहे हो, सदियों तक जिस ढोंग के चलते इस भारत राष्ट्र को नुकसान हुआ है, उसी ढोंग में लालू जी से पूजा पाठ करवाना चाहते हो। लालू जी से आस्थावान धर्म के बारे में कोई होगा, लेकिन उनका धर्म मानव धर्म है। ये हरिहरनाथ जी का मंदिर, ये थावे का देवी जी का मंदिर उनका सजाया हुआ है, संभाला हुआ है। इस सबसे आज जिस मंडेश्वरी जी की सबसे प्रतिष्ठा हो रही है, उस मंडेश्वरी जी को भारत के पैमान पर उन्होंने खड़ा, ये उनकी धार्मिक आस्था थी, लेकिन उन्हें आस्था का विषय बनाया, धर्म को उन्माद का हथियार नहीं बनाया। मानव धर्म शालीनता के साथ आज भी क्या कहा, हनुमान चालीसा पढ़ो, मंदिर में पढ़ो। इरिटेट क्यों कर रहे हो मस्जिद के पास जाकर के? ये इरिटेट करने वाली जमात के लोग, जवान इनकी गंदी है। क्या बोला, भूरा भाव साफ करो, लालू जी ने कहा। और उन्हीं का पुत्र आज राष्ट्रीय जनता दल में नेता प्रतिपक्ष सदन में। तेजस्वी जी जब ए टू जेड की बात करते हैं, लालू जी ने भी ए टू जेड की ही बात हमेशा की। 15 लोग उनकी सरकार में मंत्रिपरिषद के लोग जो आए, रघुनाथ झा जी थे, राम जीवन बाबू थे, जगदानंद थे, किसका किसके में ना, उसी में तो आए थे। तो लोग कौन नहीं था उसमें, कौन किस जात का लोग नहीं था? तुम सवर्ण होने का दावा करते हो, लालू जी ने किसी सवर्ण की बेइज्जती नहीं की, लेकिन कमजोरों को उठाने का प्रयास किया। ईर्ष्यालु लोगों ने समाज को हैट्रिक पैदा करने के लिए भूरा बाल साफ करो का शब्द समाज को विघटित किया। आज वही समाज, नौजवान पीढ़ी सारी बातों को समझ करके जब एक जगह जुट हो रही है, तो इन लोगों को घबराहट हो रही है। नकेल कस दिया इन लोगों को, नकेल तो भारत की जनता कस रही है, बिहार की जनता अगुवाई कर रही है, और बिहार में एक नेतृत्व नया पैदा हुआ है जिसका नाम है तेजस्वी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की नीतियों को लेकर चलते हुए, ये नीतियों पर सीना ठोक करके लड़े लालू प्रसाद, जेल की यातना सही, लेकिन कभी भी सामाजिक सौहार्द का झंडा उन्होंने नीचे नहीं होने दिया। वो नीतीश कुमार हैं क्या? वो नीतीश कुमार हैं कि कहते हो 370 नहीं होगा, मेरा हमारी नीति है कि नहीं खत्म होगा। तुम कहते हो सी नहीं आएगा, लेकिन लोकसभा में कानून पास करने में सहयोग करते हो। लालू प्रसाद में एक ही शब्द का पॉलिटिकल ऑनेस्टी दिखाया, जो कहा वो किया, जो किया उसको कहा। और ए टू जेड कर्पूरी ठाकुर भी मान के चलते थे,
लेकिन कमजोरों को छोड़ते नहीं थे। एड टू जेड लालू प्रसाद जी ने भी कहा कमजोरों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को इज्जत दे के थे, सबके साथ। तेजस्वी भी उसी राह पे चल रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल की राह में भटकाव कभी नहीं आया है। और मैं चुनौती तीनों चीजों पर सार्वजनिक बहस के लिए कह रहा हूं, हाय नीतीश जी मत तो बोलो, तुम ही तो इसके ही उपज हो, तुम झेल सकते हो समाजवाद के ऊपर कीचड़ उछालते हुए, राष्ट्रीय जनता दल उस कीचड़ को उछालते हुए नहीं देख सकता। राष्ट्रीय जनता दल एक विरासत संभाल रहा है, हमारा राष्ट्रवाद उनके राष्ट्रवाद में फर्क है। हमारा राष्ट्रवाद सबों के लिए है, उनका राष्ट्र केवल दंगाइयों उन्मादियों के लिए है। कभी भी राष्ट्रीय जनता दल दंगाइयों उन्मादियों को सहयोग नहीं कर सकता। ये मैं राष्ट्रीय जनता दल की नीति सबके साथ जिस पर हम चलते रहे वर्षों से 90 के पहले भी 90 के बाद भी सड़क पर हैं हम लोग 16-17 साल से, किसी ने इस समाजवाद के झंडे को झुकने नहीं दिया और मृत्यु पर्यंत एक साथ मिलकर के हम लोग समाजवाद के झंडे को, हमारे जो राष्ट्रवाद समाजवाद का है वो हम लेकर के चलते रहेंगे। हमारा राष्ट्रवाद यही है, राष्ट्र का हर इकाई मजबूत होगी तो ये राष्ट्र मजबूत होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।